आतंकियों की दुकान चलाने वाले पाकिस्तान से दुनिया के अलग अलग देश दूरी बना रहे हैं। अब उसे कोई भी देश भीख डालने के लिए राजी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसके हालात हर रोज बस से बदतर होते जा रहे हैं। खासकर जब से नए पाकिस्तान का सपना दिखाकर इमरान खान सत्ता में आया है, तब से तो इस कंगाल मुल्क की हालत और भी ज्यादा खस्ता होती चली गई। क्योंकि इमरान खान ने खुद को मुसलमानों का ठेकेदार साबित करने के लिए कई ऐसी हरकतें की, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से मजबूत मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब और यूए ने भी दूरी बनाते हुए झटके पर झटके देने शुरू कर दी। तो वहीं अब सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रशासन ने पाकिस्तान को झटका दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रविवार रात ही सऊदी अरब के 3 दिन के सरकारी दौरे से लौटे हैं। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब ने नया फरमान जारी कर इमरान सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो उन पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीजा जारी नहीं करेगा जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। इसका कारण सऊदी रेगुलेटर ने चीन की साइनोवैक और साइनोफार्म के टीके को अनुमति नहीं दी है। हालांकि चीन ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत ये वैक्सीन सऊदी भेजी थी, लेकिन प्रशासन ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी प्रशासन ने अब इस मामले में कुछ राहत दी है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट तो दिखानी पड़ेगी। इसके साथ ही 14 दिन का क्वारंटाइन भी पूरा करना होगा, और वो भी अपने खर्चे पर। सऊदी अरब सरकार ने अभी तक 4 टीकों को अनुमति दी है। इसमें फाइजर, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। इनमें से जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिंगल शॉट है, यानी कि इसका एक ही डोज लगता है, बाकी तीनों के डबल डोज लगाए जाते हैं। चीन ने भले ही अपनी दोनों वैक्सीन की डोज सऊदी अरब भेजी हो, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की यात्रा करने की मंजूरी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने वैक्सीनेशन पूरा कर लिया हो। इसमें अभी एक शर्त ये जोड़ी गई है कि चीन में बनी वैक्सीन लगवाने वालों को यात्रा की मंजूरी नहीं मिलेगी। पाकिस्तानियों की दिक्कत ये है कि यहाँ चीन की तरफ से खैरात न मिली वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। रूस से वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया, लेकिन अब तक इनका एक भी डोज पाकिस्तान नहीं पहुँचा। तो ऐसे में पाकिस्तान का सदावर दोस्त चीन ही पाकिस्तान की मुसीबत बन गया है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, वीके न्यूज।